सो हे एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने रियलमी 9 एसी में होने वाले लैग को फिक्स कर सकते हो। BGMI का लैग हो या फिर कोई भी एडिटिंग एप्लीकेशन का लैग हो, आप लोग उस लैग को कैसे सॉल्व कर सकते हो वो मैं आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। सो डेफिनेटली ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। एंड किसी भी तरीके की कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को लैग फिक्स करने के लिए। एंड डेफिनेटली आप लोगों का जो है लैग रिड्यूस होने वाला है किसी भी एप्लीकेशन की आप लोग बात करो। एंड इस वीडियो में पर्टिकुलरली दो एप्लीकेशंस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। फर्स्टली हमारा जो गेमिंग के लिए एप्लीकेशन रहेगी वो रहेगी BGMI, कि कैसे आप लोग BGMI का लैग फिक्स कर सकते हो। एंड सेकेंडली हम लोग बात करने वाले हैं एलाइट मोशन के बारे में, कि कैसे आप लोग एलाइट मोशन जैसी हैवी जो हमारी एडिटिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं उनका कैसे आप लोग जो है लैग कम कर सकते हो। सो दो चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक के बने रहना ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे आप लोग अपने लैग को फिक्स कर सकते हो इस वाले फ़ोन के अंदर सिंपल स्टेप से। सो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले लैग फिक्स करने के लिए आप लोगों ने अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने जाना है अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को रैम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो रैम के ऑप्शन में क्लिक करके रैम एक्सपेंशन को आप लोगों ने इनेबल करना है। रैम एक्सपेंशन को इनेबल करने के बाद आप लोगों ने इसे मैक्सिमम पे कर देना है 5GB, जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड उसके बाद आप लोगों ने अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट करने के बाद आप लोगों के जो रैम है वो एक्सपेंड हो जाएगी। एंड ये वाला जो ऑप्शन है ये आप लोगों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंड इससे आप लोगों की गेमिंग परफॉर्मेंस या एडिटिंग वगैरह सब कुछ इंप्रूव होने वाली है। सो ये वाला जो आप लोगों को स्टेप है ये दोनों चीज़ों के लिए रहने वाला है। अब मैं आप लोगों को BGMI के अंदर की कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ जो कि आप लोगों को हेल्प करेगी अपने लैग को रिड्यूस करने में। तो यहाँ पे आप लोगों ने सेटिंग्स में आ जाना है, उसके बाद आप लोगों ने आना है कंट्रोल में, एडवांस कंट्रोल में आ जाना है। उसके बाद आप लोगों ने उसके बाद सबसे नीचे जाने के बाद रिकॉर्डिंग के जो दोनों ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, हाईलाइट मूवमेंट और दैट रिप्ले, दोनों को आप लोगों ने जो है ऑफ कर देना है। इससे होगा ये कि आप लोगों का जो है गेम रिकॉर्ड नहीं होगा बैकग्राउंड में, एंड उस वजह से आप लोगों के गेम पे कम लोड पड़ेगा एंड आप लोगों का गेम डेफिनेटली कम लैग करेगा। उसके बाद कुछ ग्राफिक्स की सेटिंग्स है जो कि आप लोगों को पता रहती है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो आप लोगों ने ग्राफिक्स एंड ऑडियो में चले जाना है। उसके बाद आप लोगों ने स्मूथ एंड एक्सट्रीम को सिलेक्ट कर लेना है। लॉबी में भी आप लोगों ने स्मूथ एंड एक्सट्रीम रखना है, कॉम्बैट में भी आप लोगों ने स्मूथ एंड एक्सट्रीम ही रखना है। स्टाइल आप लोग क्लासिक या सॉफ्ट रख सकते हो, बट मैं कलरफुल रखता हूँ बिकॉज मुझे कलरफुल ज़्यादा बढ़िया लगता है। बट अगर आप लोगों को लैग कम देखना को चाहिए तो आप लोग क्लासिक या सॉफ्ट ही रखना। एंड इन सेटिंग्स को करने के बाद आप लोगों को डेफिनेटली कम लैग देखने को मिलने वाला है BGMI के अंदर भी। अब बात कर लेते हैं एलाइट मोशन के बारे में, कि अगर आप लोग एलाइट मोशन वगैरह यूज़ करते हो तो आप लोग कैसे उसका लैग फिक्स कर सकते हो। सो एलाइट मोशन के लैग फिक्स करने के लिए कुछ जो है बेसिक टिप्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ। एंड उस पर अगर आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को शुरू से लेकर आखिरी तक के पूरी चीज़ें जितनी भी मैं यूज़ करता हूँ एलाइट मोशन में कि लैग फिक्स करने के लिए, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। बट ये वाली वीडियो में हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट रखते हैं एंड मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टिप्स दे देता हूँ जिससे आप लोगों को डेफिनेटली लैग उसमें कम देखने को मिलेगा। सो एलाइट मोशन में लैग आप लोगों को प्रीव्यू में देखने को मिलता है। सो मैं जैसे सजेस्ट करूँगा कि आप लोग प्रीव्यू को प्ले करने की बजाय उसको जो है हमारे मैनुअली हाथ से इधर उधर करके प्रीव्यू चेक करो। एंड हो सके तो भाई एडिटिंग जो है जो आप लोग करते हो वो थोड़ी लो क्वालिटी में करने की ट्राई करना, जिससे कि आप लोगों को जो लैग कम देखने को मिलेगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि जब आप एलाइट मोशन को यूज़ करो तो आप लोग अपने जो डेटा है उसे ऑफ कर देना एंड अपने फ़ोन में जितनी भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन हो रही होगी उन सबको क्लियर कर देना। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को जो लैग को कम करने में एलाइट मोशन में। एंड अगर आप लोगों का एडिटिंग के टाइम पर एलाइट मोशन जो है हमारा क्रैश कर जाता है तो आप लोगों को सिर्फ एक ही स्टेप करनी है कि आप लोगों ने बैक आना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने फ़ोन की पूरी एप्लीकेशंस को क्लियर करना है जो कि आप लोगों की बैकग्राउंड में रन हो रही है। एक बार फ़ोन को आप लोगों ने ऑफ़ करना है सिंपली, यानी हमारा पावर ऑफ नहीं, सिंपल ऑफ करके ऑन करना है। उसके बाद आप लोगों ने अलर्ट मोशन फिर से खोल लेना है एंड आप लोगों का जो क्रैश है वो फिक्स हो जाएगा। एंड इस पर कई सारे टिप्स आप लोगों को मैं दे सकता हूँ कि अलर्ट मोशन का लैग कैसे फिक्स करना है, बट इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक टिप्स दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को अलर्ट मोशन पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा कि मैं किस किस टिप्स को यूज़ करता हूँ अलर्ट मोशन का लैग फिक्स करने के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा उसकी भी मैं। एंड एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रिक या टिप जो भी कहना चाहो कह लो, जो कि आप लोगों को दोनों चीज़ों में यूज़ आएगी, गेमिंग एंड एडिटिंग में, अगर आप लोग इस वाले फ़ोन को यूज़ करते हो तो ये वाले फ़ोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये फ़ोन हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें कूलिंग के लिए आप लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। सो आप लोगों को एक ही सजेशन रहेगा मेरा कि भाई एक फ़ैन खरीद लो, छोटा बड़ा जैसा भी हो,
एंड उसको यूज़ करो एडिटिंग या गेमिंग के टाइम पे इस फ़ोन को यूज़ करते समय। एंड डेफिनेटली आप लोगों को ऐसे में फ़ोन हीटिंग के जो इशू आप लोगों का फ़ोन के हीटिंग का रिलेटेड देखने को मिल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा, एंड उस वजह से आप लोगों का फ़ोन हीट नहीं होगा, जिस वजह से लैग आप लोगों को डेफिनेटली इस वाले फ़ोन में कम देखने को मिलेगा। सो आज के वीडियो में गाइस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो कमेंट कर देना कि भाई वीडियो अच्छी लग गई, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो। सो इस वीडियो में तय मैं मिल दो आपसे अगले में, तब तक ले छोटी सी आउटर के साथ गुड बाय।